आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। सच में हमारे परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम सब लोग जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। तो आइए आज के सुंदर सुबह में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें, उसके जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके आंसुओं का हिसाब रखा है। आपके जीवन में जो कुछ होता है उस सब का हिसाब परमेश्वर के पास है। भजन संहिता 56:8 में इस प्रकार से लिखा है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, परमेश्वर हमारे भटकने का हिसाब रखता है, परमेश्वर हमारी दुख बीमारियों का हिसाब रखता है, परमेश्वर हमारे साथ हुए बुरे बर्ताव का हिसाब रखता है, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बात का हिसाब रखता है। वो हिसाब रखता है कि हम कैसे दुख की घाटी से गुजर रहे हैं। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब जानते हैं, आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, परमेश्वर ने उन्हें अपने कुप्पी पर संभाल के रखा है। परमेश्वर आपके दुखों को जानता है, परमेश्वर जानता है कि आपके साथ में बुरा हुआ है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हालांकि आपको लगता है कोई भी आपके साथ में नहीं है, कोई आपकी भावनाओं को समझने वाला नहीं है, परंतु और कोई भी आपका दोस्त नहीं है जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सकें, और आप मनी मन उदास हैं, मनी मन आप रो रहे हैं, अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि आपके पास कोई नहीं है, हालांकि आपके पास अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कोई नहीं है, हालांकि आपके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। आप जहां कहीं हैं प्रभु आपके साथ में है, आप अकेले नहीं है, आप अकेले दुखी नहीं है, प्रभु आपके दुख में शामिल है, आपके आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके आंसुओं को पहुंचते हैं। उन्होंने आपके आंसुओं को देखा है, उन्होंने आपके दुखों को देखा है, वो बहुत जल्द आपके आंसुओं को पहुंचेंगे और आपके दुख को आनंद में बदल देंगे। प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी भावनाओं को समझता है, प्रभु यीशु मसीह है जो आपका सच्चा मित्र है, प्रभु यीशु मसीह है जिससे आप अपनी सारी मन की बातों को कह सकते हैं। परमेश्वर बहुत जल्द आपके दुखों को आनंद में बदलने जा रहे हैं, इसलिए आप रो नहीं, आप ढाढ़स बांधो, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो आपके दुखों को आनंद में बदलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके आंसुओं का हिसाब रखा है, आपकी परेशानियों का, आपकी परिस्थितियों का हिसाब रखा है, और वो आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर की ओर ताके और उस परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदन को, अपने प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को उसके सम्मुख रखें, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है। तो चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे यीशु राजा, ओ मेरे पिता, ओ स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड जीसस। आई कमिट होल डे इन योर ऑलमाइटी हैंड फादर लॉर्ड जीसस। यू आर सच अ ग्रेट एंड लविंग फादर, यू आर अ केयरिंग फादर, यू आर अ होली होली एंड होली। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड फादर जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तू पवित्र पवित्र अति पवित्र है, तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा करते प्रभु, क्योंकि तेरा नाम कहीं ऊंचा है, बड़ा है परमेश्वर पिता, तेरा प्रेम कितना महान है परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने मनुष्य से प्रभु, जब वो पापी ही थे, तब तूने उनके लिए अपने आप को बलिदान किया प्रभु जी, और प्रभु उन्हें धर्मी बनाया, अपनी संतान बनाया यीशु राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमसे जो प्रेम किया प्रभु, अगापे है यीशु राजा। हम धन्यवाद करते आज की सुंदर सुबह के लिए यीशु मसीह,
सच में प्रभु तू हमारी फिक्र करने वाला, हमारी चिंता करने वाला, हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है पिता। हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाले, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले, टूटे मन वालों के समीप रहने वाला प्रभु है। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। ओ यीशु राजा तू भला है, तू अच्छा, तेरी करुणा सदा की है। ओ वेल सदाई एडोनाई इन्फिनिटिव परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर की, सच में प्रभु तू हमारा महान परमेश्वर है, और प्रभु तू विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर। तेरा वचन अटल है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तेरी सारी कल्पनाएं हमारे लिए उत्तम है प्रभु, तेरी योजनाएं हमारे लिए अच्छी है परमेश्वर। प्रभु तू हमारी हानि नहीं होने देता, तू अपने जन को टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता, परंतु उन्हें संभालता है यीशु। धन्यवाद पिता मेरे खुदावन, आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया। धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरा वचन आज की सुबह में इस भाई इस बहन से हम सब से बातचीत करता है, और वो कहता है सच में मेरे प्रभु तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता, और अब मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। हालेलुया, हाँ प्रभु जी तू हमारे आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर, अपने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखने वाले, हमारे जीवन की परिस्थितियों का हिसाब रखने वाले, हमारे दुखों का हिसाब रखने वाले यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु तुझे पता है कि हम इस समय दुखी हैं प्रभु, इस समय परेशान हैं प्रभु, तुझे सब बातों का पता है परमेश्वर पिता, तू हर चीज का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है यीशु। ओ मेरे महान और पवित्र याजक, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता, तू सब बातों में महान है, तू प्रबल है, तू महान है, तू आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करते मेरे खुदावन, तू गिरते हुओं को सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर है यीशु राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे प्रभु, आज की इस सुंदर सुबह में मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिस वचन के द्वारा तूने इन्हें ढाढ़स दिया, मजबूत किया कि वो हमारे हर एक बात का हिसाब रखने वाला, हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखने वाला, हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल कर रखने वाला खुदा है। हाँ हमारी चिंता करने वाला, हमारे हृदय के समीप रहने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु तेरे नाम की महिमा हमारे जीवनों से हो, हम अपने खाली हृदयों को लेकर तेरे समीप आते हैं प्रभु। मैं इन भाई बहनों की विनती प्रार्थना को तेरे सम्मुख लेकर आती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ये जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, चाहे अपने जीवन में परमेश्वर बहुत ज्यादा दुखी है पिता, बहुत ज्यादा विपत्ति में है, कई सालों से बीमारियों में है, कई सालों से प्रभु जी इनके पास कोई काम नहीं है, मारे मारे ये फिरते हैं परमेश्वर, परंतु पिता तू हर बात का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। जो हम अपने गुप्त में रोते हैं, हम जो रोते हैं, जो विलाप करते हैं, उस आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन। तूने इस भाई इस बहन के आंसुओं को देखा है प्रभु, उसका हिसाब तूने रखा है, इनके दुखों का हिसाब तूने रखा है, इनकी नाम धराई का हिसाब तूने रखा है, इनके जीवन की परिस्थितियों का हिसाब तूने रखा है प्रभु। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है प्रभु जी, इन्होंने अपने जीवन में असफलताओं को देखा है, इन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर अपने रिश्तों को खो दिया परमेश्वर, ये परेशान है प्रभु जी, आप इनकी परेशानियों को दूर करके परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है भजन संहिता में परमेश्वर पिता, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद, चाहे रोते हुए प्रभु ये भाई बहन अपने जीवन को इन्होंने काटा हो, चाहे कितने दुख में इन्होंने अपने जीवन को गुजारा हो, परंतु तेरा वचन कहता है कि वह जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। हाँ परमेश्वर, क्योंकि हिसाब तेरे पास है मेरे खुदावन, और प्रभु तू इन्हें जयवंत करेगा, तू उनकी परिस्थितियों में इन्हें विजय करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की इस सुंदर सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी मेरे खुदावन, यदि अपने जॉब में प्रभु कई समय से अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं प्रभु, कई समय से बेरोजगारी में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि आप इन्हें सक्सेस करें, एक अच्छा जॉब आप इन्हें दें प्रभु जी। यदि प्रभु कई सालों से प्रभु इनकी प्रभु शादी नहीं हुई है, रिश्ते आते परंतु टूट जाते हैं, रुकावटें आते हैं और रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने इनके आंसुओं का हिसाब रखा है, आपने इनके मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है, यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए, इनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए, और परमेश्वर पिता इनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने में मदद सहायता करे। हालेलुया।
परमेश्वर, यदि ये बीमारी में है परमेश्वर, आपने इनकी बीमारी का हिसाब रखा है यीशु मसीह, इसीलिए प्रभु इनको चंगा करने के लिए प्रभु आपने अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए प्रभु, और आपका वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में जो बीमार है यीशु मसीह अपने बहुत सारे जीवन में प्रभु कई सालों से बीमार है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आपके कोड़े खाने से वह चंगे हो गए हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि आपने उनके जीवन के इस दुख का हिसाब रखा है, आपने उनके आंसुओं को देखा है और आपने उनकी बीमारियों से उन्हें चंगा कर दिया है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु वह जय जयकार करते हुए लाभ नहीं पाएंगे, चाहे उन्होंने अपना जीवन इस बीमारी में रोते रोते गुजारा, परंतु ये समय है परमेश्वर आपने ये समय रखा है प्रभु जब ये चंगे हो गए हैं, धन्यवाद इन्होंने दर्द से आजादी पाई है परमेश्वर, दर्द से छुटकारा पा लिया है, धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपने, चाहे ये किसी भी प्रकार की बीमारी में है परमेश्वर, चाहे वो कैसी भी बीमारी है परमेश्वर, चाहे गुप्त में गुप्त की वो बीमारी है यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि सच में आपने परमेश्वर आपने इन्हें चंगा कर दिया है, हालेलुया धन्यवाद पिता, करती जिन्होंने बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान देखा, बहुत ज्यादा लोगों ने उनका फायदा उठाया, बहुत ज्यादा परमेश्वर वे अपने जीवन में परेशान रहे, चिंतित रहे, डिप्रेशन में रहे, मेरे परमेश्वर आप जानते हैं इस परिस्थिति को, आपने इस परिस्थिति का हिसाब रखा है यीशु मसीह, उनका डिप्रेशन उनकी ये परिस्थितियां यीशु मसीह नासरी के नाम से बदल जाएं, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन लोगों के लिए मेरे खुदावन, जो प्रभु जी अपने कारोबार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर दिन भर वो सोचते हैं प्रभु, और हमेशा इस बात पर ध्यान करते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, और उन बातों के लिए चिंता करते हैं, यीशु मसीह उनकी चिंता तेरे हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपने इस चिंता का हिसाब रखा है यीशु मसीह, इस चिंता को दूर करके आप उनके मन को शांत करें, आप उनके मन को एकाग्र करें, आप उन्हें ढाढ़स दे, आप उन्हें सामर्थ दे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरा, धन्यवाद करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ, तेरी बड़ाई करती हूँ परमेश्वर, आज के इस पूरे दिन में मेरे परमेश्वर पिता इनके आने जाने में आप इनकी सहायता करें, इन्हें प्रभु जी एक दुख बीमारी विपत्तियों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता, हम इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके परिवारों में सुख शांति समृद्धि आशीषें प्रभु आप दें मेरे खुदावन, प्रभु जी आप बहाली के परमेश्वर, यदि दुष्ट ने इन्हें परेशान किया है प्रभु, दुष्ट के कारण प्रभु ये परेशान है, विपत्ति में मुश्किलों में है प्रभु, आपने उसका हिसाब रखा है यीशु मसीह नासरी के नाम से, दुष्ट के हर एक कामों को, उसके हर एक योजनाओं को हम खंडित करते हैं इनके जीवनों से प्यारे प्रभु, आपने इन्हें स्वतंत्र कर दिया है, धन्यवाद क्योंकि पिता आपने इनके जीवन की उस मुश्किल उस विपत्ति का हिसाब रखा है, धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने आप को प्रभु जी कमजोर महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप की छवि प्रभु जिन्होंने अपने जीवन में गलत बनाई हुई है, और अपने आप को समझते हैं कि नहीं हम परफेक्ट नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम दिखने में सुंदर नहीं हैं, मेरे यीशु राजा मैं प्रार्थना करती हूँ, और वो रोते हैं अपनी इस हालत को लेकर, मेरे प्रभु जी आपके पास उनके लिए उत्तम योजनाएं हैं, आपके पास उनके लिए उत्तम भविष्य है, धन्यवाद करते प्रभु आप अपनी इच्छाओं को अपनी कल्पनाओं को इन भाई बहनों के जीवन में पूरा करें, और उनकी उस कमजोरी को उस विचार को आप इनके जीवन से दूर करें परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सब बातों में तुझे आदर महिमा देते, आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते, इस भाई इस बहन को तेरे हाथों में सौंपते, ये जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आप आशीषों के सोता है परमेश्वर, आप इन भाई बहनों को आशीष करें, इनके काम पर आशीष करें, इनके बच्चों पर आशीष करें, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो अपनी संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कई समय से वे संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह, आप जानते हैं आपने हिसाब रखा है, आपने एक समय रखा है प्रभु, वो समय आप उनके जीवन में पूरा करें, आप उन्हें आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।